दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई है जिसके अनुसार अमेरिका ने भारत को इंजन की फुल तकनीक देने पर रोक लगा दी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस फोर्स हिंदी के एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं और डिफेंस की न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की कंपनी HAL भारत में स्वदेशी रूप से ही F414 इंजन को निर्माण करना चाहते थे, लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत को इंजन की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। दोस्तों साथ ही खबर में बताया गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत को इंजन के IPR देने पर भी रोक लगा दी है। तो दोस्तों क्या अब समय आ गया है कि भारत खुद अपने दम पर स्वदेशी रूप से इंजन को डेवलप करके दिखाए, क्योंकि दोस्तों चाइना ने अपने WS-19 और WS-20 इंजन को पूरी तरह से विकसित कर लिया है, जिस पर चाइनीज अधिकारी ने खुलासा किया है कि WS-19 और WS-20 के साथ साथ एक नेक्स्ट जनरेशन के अज्ञात इंजन को चाइना द्वारा सक्सेसफुली डेवलप्ड कर लिया गया है और उसके ट्रायल को भी पूरा कर लिया गया है और दोनों इंजन प्रोडक्शन में हैं। वहीं पर भारत अभी तक एक भी इंजन को सक्सेसफुली डेवलप्ड नहीं कर पाया है। जैसा कि दोस्तों अमेरिका भारत को नेटो सहयोगी के बराबर मानता है, जबकि वह अपने एडवांस सैन्य उपकरण भारत को बेचना नहीं चाहता, और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी इस खबर पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।